बनाओ और इस कटोरे में उस अमृत को डालो और उसको पी जाओ। पिए क्यों? बोल पियोगे तो तभी तो असर होगा। गलती से अमृत पी लो, अजर अमर हो जाएंगे, और गलती से दो चार घूंट जहर पी लो, विचार करो क्या होगा, सीताराम हो जाएगा, पक्की बात है। और गलती से ऐसे भगवान का भी दो चार शब्द हमारे भीतर हृदय में उतर गए, हमारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए कहने का तात्पर्य है सज्जनों, कथा को पीना चाहिए। जेने हरि कथा सुनी नहीं काना, जेने हरि कथा सुनी नहीं काना, जेने हरि कथा सुनी नहीं काना, जेने हरि कथा सुनी नहीं काना। श्रवण ने कभी भगवान की कथा नहीं सुनी उसके कान चूहे के बिल के बराबर है। चूहा देखा है आपने? इस बिल में घुसेगा, दूसरे बिल से निकल के आ जाएगा। भगवान ने दो कान क्यों दिए? अच्छा विचार करो, सुनने की मशीन तो भीतर है, तो ये स्टैंड क्यों दे दिए भाई? बोल किसी ने कहा, बोले आगे कलयुग आएगा, चश्मा पहनने की आवश्यकता पड़ेगी, तो चश्मा पहनने के लिए स्टैंड तो चाहिए ना। अच्छा जिसके दोनों कान ही ना हो तो क्या होगा? कैसा लगेगा? बंड सा, कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं। तो ये कानों की भी विशेष आवश्यकता है हमारे जीवन में। इसलिए आपने खूब कथा सुनी होगी माता सबरी की। माता सबरी सबर जात की थी और महाराज मतंग ऋषि की शिष्या, तो मतंग ऋषि के वहां पर सबरी कथा सुनती थी तो उनका मन पिघल जाता था। तो एक बार जब बुढ़ापा आया तो मतंग ऋषि जा रहे थे, तो सबरी ने कहा, प्रभु आप तो जा रहे हो, मेरे वो प्रभु कब आएंगे? बोला आप तो ऐसा करना, ऐसे भजन करते रहना, एक ना एक दिन वो सामरे चले आएंगे। और एक दिन आए, और आए तो ऐसे आए महाराज, सबरी अंधी हो गई थी, पहचान भी नहीं पा रही थी। अरे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे 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 राम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। राजा रामचंद्र भगवान
जला के मैं तो दिवाली मनाऊंगी, ओ दीप जला के मैं तो दिवाली मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप जाएंगे, राम आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के भाव आज खोले जाएंगे, राम आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के भाव आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। भगवान को भजन सुना से क्या फायदा पता है? जो भगवान का भजन गाते नहीं है, बोलते नहीं है, जयकारे नहीं लगाते, वो अगले जन्म में मेंढक बनते हैं। और मेंढक की भाषा ना तुम समझते ना हम समझते, याद रखना है। क्योंकि इसलिए हमें कीर्तन बोलना भी चाहिए। हाँ, मेरे जीवन के सारे दुख मिटते जाएंगे, राम आएंगे, तो मेरे जीवन के सारे दुख मिटते जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, आमीन। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, देखे तुम गाते को नहीं गाते, तो मैं अपने बगल वाले की सौगंध जो नहीं गाया तो मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो। अरे यजमान जी आप भी बोलो, बोलने से दांत नहीं गिरेंगे तुम्हारे, चिंता मत करो। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो। अरे माखन मिश्री का राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री को राम को खिलाऊंगी, क्योंकि क्योंकि आज जब ठाकुर जी आएंगे तो क्या होंगे? प्यारी 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 सीतारानी को तो खिलाएंगे, राम आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, ओ मेरे के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
शीतला मैया की जय हो, रोहतक नगर क्षेत्र की जय हो। अरे अपनी जयकार तो बोल लिया करो कम से कम। तो कहने का तात्पर्य, जिसका मन राम जी से जुड़ जाता है, राम जी वहां दौड़े चले आते हैं। तो राम जी को कान के माध्यम से भीतर दिल में बैठाओ। हाँ, तो आज सजनों इस कथा को हम कब तक पिए, बोल जब तक मौत नहीं आए तब तक पीते जाओ, गटकते जाओ। भगवता प्रोक्तम भागवतम इति भागवतम, इसको सुनो और पियो। पीने के बाद में हमारे आचार विचारों पे इसका प्रभाव पड़ेगा, पक्की बात है। अच्छा, तीन श्लोक गाए, भागवत का प्राकट्य भी हो गया। ये भागवत का प्राकट्य, भगवान नारायण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद जी को, नारद जी ने वेदव्यास को, वेदव्यास ने सुखदेव को, सुखदेव ने राजा परीक्षित को, फिर महाराज परीक्षित के पुत्र जनमेजय को, इसलिए सूक्ष्म भागवत का सारांश सुनाया। वही चर्चा आज हम लोग सुन रहे हैं। शौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए। किम श्री शास्त्र सार का स्वय अवतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्चय धर्म कम शरणम गतः। 6 प्रश्न। सबसे पहले प्राणी का कल्याण कैसे होगा, हम क्या करें हमारा कल्याण हो जाए। हमारा कल्याण कैसे होगा, क्या पूजा पाठ करने से कल्याण होगा, क्या साधु सेवा करने से कल्याण होगा, या ब्राह्मण सेवा करने से कल्याण होगा, या माता पिता की सेवा करने से कल्याण होगा, या कई कई दिनों तक भूखे प्यासे रहें तब कल्याण, कल्याण कैसे होगा, या पर दिन भर भगवान के मंदिर में बैठे रहें तब कल्याण होगा। बैठ जाओ शीतल मैया के मंदिर में 10 दिन तक बैठ जाओ, कल्याण होने वाला नहीं है। क्यों? कभी ना कभी आपका मन भागेगा पीछे, बच्चे क्या कर रहे होंगे, कैसे रह रहे होंगे, क्योंकि वो मन ही नहीं टिकने देगा आपको वहां। तो कल्याण कैसे होगा, तो हम गृहस्थी लोगों पर 3 चीजें लागू होती हैं। कौन सी? तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होते त्रिविध कल्याण। सबसे पहले तन पवित्र करो। कैसे करें तन पवित्र? कितने भी क्रीम पाउडर लगा लो, गारंटी तन पवित्र हो जाए। तो बढ़िया स्प्रे लगाओ, बढ़िया कपड़े पहनो। अच्छा, हम यूं कहें 10 दिन तक नहाओ मत, ना क्रीम ही क्रीम लगाते रहो, खूब स्प्रे लगाते रहो, तो गारंटी है तुम्हारी स्प्रे से ज्यादा बदबू तो हमारे शरीर में से पैदा हो जाएगी, याद रखें। क्योंकि मलमूत्र का हमारा ये भरा हुआ शरीर, जिसमें मलमूत्र है, अवगुण है, आहा। तो तन पवित्र कैसे होता है? सास ससुर की सेवा, माता पिता की सेवा, पति की सेवा, वृद्ध जनों की सेवा, साधु सेवा, ठाकुर सेवा, गौ सेवा, है सामाजिक सेवा, इससे हमारा तन पवित्र होता है। दूसरा, धन पवित्र कर दान। धन पवित्र होता है दान करने से। सज्जनों याद रखना, धन पवित्र कराना है तो थोड़ा 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 दान करते रहो। दान करोगे तो तुम्हारे घर में, हमारे घर में हारी बीमारी प्रवेश नहीं करेंगे। नहीं तो नरेंद्र मोदी फिर नोट बंद कर देंगे, फिर भागते रहना, चक्कर लगाते रहना। पहले नोट बंद किए थे ना, तो माता बिचारी आई थी, बूढ़ी हो गई ससुराल में आए हुए, थोड़े 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 पैसा जमा कराया करती थी, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कराया, ज्यादा हो गया, अंगूठा छाप मैया कुछ जाने नहीं। अब अकाउंट में पैसा कैसे जमा करा मैं, नोट तो बंद हो गए। तो नोट बंद ऐसे हुए महाराज, माताओं की पोल पट्टी खुल गई, बताइए। वो पैसे बट गए महाराज पूरे घर कुटुंब में, नाती पोते सब ने पैसे ले लिए, मैया क्या जाने बेचारी। अभी भी कुछ दिन पहले 2000 का नोट बंद हुए, अभी
कई लोगों के तो मेरे पास में फोन आए, बोलो महाराज 2000 का नोट ले लो और आपके पास में खुले पैसे आए आप दे दो। हमने कहा भैया हमारे पास कुछ है ही नहीं। बोला आप कैसे भी करो दे दो, तो थे तो दे दिए, नहीं तो भैया सीताराम अरे तो 2000 का नोट, इसलिए तो धन की पता नहीं कब क्या हो जाए। धन को धन पवित्र कब होगा? जब आप दान करोगे, अच्छे कामों में लगाओगे। बुरे कामों में धन लगाओगे तो हमारे घर में हारी बीमारी कोर्ट कचहरी आदि बनी रहेंगी, दुनिया भर तमाम झंझटें। तो हम अपना उस धन को पवित्र करें, अच्छे कामों में लगाएं। एक बार अकबर ने बीरबल को 3 सिक्के दिए और कहा कि 3 चीजें खरीद के लाना। पहले सिक्के से खरीदना जो इस लोक में तो मिलती है पर परलोक में नहीं मिलती, दूसरे सिक्के से खरीदना जो एक इस लोक में मिले और परलोक में मिले, तीसरे सिक्के से खरीदना जो ना इस लोक में मिले ना परलोक में मिले। बाजार में गए बीरबल, मिठाई की दुकान दिख गई, सिक्के की मिठाई खरीद ली और आगे बढ़े। कुछ महात्मा भोजन कर रहे थे, उसने दूसरे सिक्के का नमक खरीद लिया, सबके भोजन में थोड़ा थोड़ा सा नमक मिला दिया और आगे बढ़े। तो कुछ लोग जुआ खेल रहे थे, जुआरी लोग, तीसरे सिक्के का जुआ खेला, जुए में हार गया पैसा, वापस आए। अकबर ने कहा क्या हुआ? बोले महाराज पहले तो ये मिठाई खाओ। मिठाई खाई बड़ी स्वाद लगी, तो क्या कहा? महाराज ये मिठाई का स्वाद आप केवल इस लोक में ले सकते हैं, परलोक में नहीं मिलता। ये मैंने पहले सिक्के से खरीदी है। अकबर बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत अच्छी बात है। और दूसरे का? बोले महाराज दूसरे सिक्के का मैंने नमक खरीदा, कुछ महात्मा लोग भोजन कर रहे थे, सबके भोजन में थोड़ा थोड़ा नमक मिला दिया, तो आज मैंने जो नमक की सेवा करी है तो वो उस नमक की सेवा करने का परिणाम ये है कि इस लोक में मुझे नमक की कमी ना मिलेगी ना परलोक में मिलेगी। अरे वाह। और तीसरे का? बोले महाराज तीसरे सिक्के का जुआ खेल लिया, मतलब? बोले महाराज मतलब जुए में हार गया वो पैसा। मतलब? बोले मतलब यह है कि जुए में हारा हुआ पैसा ना यहाँ के मतलब का होता है ना वहां के मतलब का होता है। अकबर ने तुरंत बीरबल को गले लगा लिया और कहा बीरबल तेरा जैसे बुद्धिमान कोई नहीं है, तो इस धन का भी हमें सदुपयोग करना चाहिए। याद रखें पितामह भीष्म ने सबसे पैसे पहले पांडवों से यही तो कहा था, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग शाह, दान करो, आज दान करोगे कल मिलेगा। मिलने में समय लग सकता है, बाकी मिलेगा तो सूत समेत मिलेगा, ब्याज समेत मिलेगा। आपने देखा है ऐसे ऐसे भक्त आते हैं मंदिरों में, एक सिक्का चढ़ाएंगे भगवान से, कहेंगे छोरा की नौकरी लग जाए महाराज, भगवान ने कहा ये लो नौकरी ले, छोरा की नौकरी लग गई। फिर आया महाराज, फिर सिक्का दोबारा चढ़ा दिया, महाराज छोरा के छोरा हो जाए, ये ले छोरा भी ले, छोरा के छोरा हो गया महाराज, एक सिक्का और चढ़ा दिया महाराज नौकरी लग जाए। भगवान कहेगा तुझे शर्म नहीं आती? एक नंबर के भिखारी, जब आता मांगने आता है और हमें चढ़ा था 1 रुपया। अब आप विचार करो, कभी भी हम लोग ये नहीं कह रहे कि आप भगवान को धन की आवश्यकता नहीं है, केवल भगवान ये कहना चाहते हैं कि मुझे धन मत दो भाई, पर जो मेरी सेवा कर रहे हैं उनका तो ख्याल रखो। साधु सेवा, ब्राह्मण सेवा, ब्राह्मण का लालन पालन किससे होता है? यजमान के धन से। और आजकल तो ऐसे यजमान महाराज चमड़ी चली जाए पर धमड़ी ना जाए, मर जाए पर पैसा ना निकले जेब से। कुछ सेठ जी थे, वह को नाम रख दिया किसी ने मजाक की मजाक में दान सिंह, और दान 1 रुपए का नहीं किया उसने। सेठानी बोली महाराज कुंभ का मेला आ रहा है चले जाओ गंगा में नहा आओ। उसने सोचा गंगा में जाऊंगा दान देना पड़ेगा, मैं तो नहीं जाऊंगा, और यदि गंगा जी जाऊंगा, गंगा जी जाऊंगा तो फिर भैया जोड़ते आवाज निकाल तेरी मोटरसाइकिल की, और जोड़ते और जोड़ते निकाल, वाह तो भाई तो है मोटरसाइकिल हम पे तो है ही ना है। बोलो प्रेम से राधे राधे।
महाराज अब वो दान सिंह उसने सोचा कि यदि मैं गाड़ी में यहाँ से बैठूंगा तो किराया देना पड़ेगा, तो मैं तो काय को जाऊँ। सेठानी कहती रही पैदल चले जाओ, कुछ लेके मत जाओ। चले गए गंगा घाट पे, पहुंच के वहाँ पंडा ही पंडा देखे। उसने कहा यहाँ नहाऊंगा तुरंत पंडा पकड़ेगा, लाओ दान करो। दूसरे घाट पे गए वापू पंडा, उसने सोचा कहाँ नहाया जाए, तो पहुंच गया शमशान घाट, वहाँ कोई नहीं। शमशान घाट पे पहुंच के बोले यहाँ कोई नहीं, यहाँ नहाऊंगा। भगवान भी देख रहे बता कितना कंजूस है, कोई कमी नहीं फिर भी कंजूसी दिखा। घाट भी मिला तो शमशान घाट। भगवान ने देखा चलो बेटा हम भी तुझे देखें। और जैसे ही महाराज वो सेठ जी ने शमशान घाट पे पहुंच के डुबकी लगाई, सो भगवान पंडा का रूप लेकर के बाहर खड़े हो गए। जय हो यजमान की, यजमान की जय हो। महाराज दान सिंह बाहर निकला, देखा तुम कौन? बोले हम दिखाई ना पड़ रहे पंडा। उसने कहा बोले पंडा यहाँ तो कोई नहीं था, तुम कहाँ से आ टपके? बोले महाराज हम इस शमशान घाट के पंडा हैं, यहाँ कभी कभार कोई आता है, आता है तो महाराज एक वर्ष का पूरा भोजन की व्यवस्था करके जाता है। उसने कहा अच्छा नहाने आया शमशान घाट में? बोले महाराज मेरे पास कुछ नहीं। अरे कुछ तो करो, गंगा नहाए हो, गंगा के नहाने का पुण्य तभी है जब कुछ दान करोगे। मना करने लगे, भगवान कह रहे हमसे कुछ ले ले भाई पर दान कर, एक टका दो टका तीन टका। बोले मेरे पास कुछ नहीं। जैसे तैसे करके उसको एक टका पे तैयार कर लिया। भगवान बोले मुझसे ले ले, मैं कभी आऊंगा छठे चौमासे तेरे वहां से मैं एक टका ले आऊंगा। उसने सोचा ये कौन सा मेरे घर आने वाला है, संकल्प कर दिया ओम विष्णु विष्णु विष्णु। अच्छा संकल्प करके चले गए, चल पड़े सेठ जी। और जाकर के सेठ जी पहुंचे थे, सेठानी बोले अरे वह नहाया है? बोल हाँ। और सेठ जी क्या? बोल दान भी किया। बोल कैसा? बोल एक टके का दान। दान किया किसको? बोल पंडा को। तुम्हें कहां से मिल गया? बोलो शमशान घाट नहाने गए वहीं मिल गया। पर चलो बढ़िया अच्छी बात है, सेठानी बड़ी खुश हुई चलो दान तो किया कम से कम। पर सेठानी जानती थी पंडा पीछे ही आ रहा होगा। और जैसे महाराज सेठ जी कपड़े वगैरह बदल करके और जैसे बैठे चंदन टीका लगा करके, इतने में भगवान पहुंच गए। यजमान की जय हो। सेठानी बाहर आई, क्या हुआ महाराज? बोल सेठ जी कहाँ है? बोल भीतर। बोल उनको बुलाओ। बोल तुम? बोल हम पंडा, एक टके का दान किया था वो पैसे तो वापस दे दो कम से कम। सेठानी ने कहा सेठ जी तुमने एक टके का दान किया? बोल हाँ। पंडा बाहर ही खड़ा, वो बाहर ही खड़ा है। सेठ जी ने सोचा पैसा देना पड़ेगा, वो स्वभाव देखो सेठ जी का, देने का मन ही ना करे। सेठ जी बोले ऐसा करो बोल दो पंडा से हमारे सेठ जी बीमार हो गए। और सेठानी ने जाकर कहा महाराज तुमने पता नहीं कैसा गंगा नहवाया है हमारे सेठ जी को, वो तो बीमार हो गए। अब पंडा भी भगवान ठहरे। भगवान ने कहा बोले जब तक तुम्हारे सेठ जी ठीक नहीं होंगे तब तक महामृत्युंजय का जाप करेंगे, गायत्री का जाप करेंगे, हवन करेंगे, तुम कराओ भोजन हम करेंगे भजन। सेठानी बोली बड़ी बीमारी आन पड़ी। सेठानी गई बोले महाराज वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा, वो कह रहा है अब गायत्री का जाप करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक। सेठ जी ने सोचा अब क्या करें, तो सेठ जी बोले ऐसा करो कह दो पंडा से हमारे सेठ जी मर गए। और जाकर के महाराज जैसे कहा बोले तूने गजब कर दिया बाबा, हमारे सेठ जी तो मर गए। अब महाराज अब पण भगवान ने सोचा कि ये गली मोहल्ले में जाएगी लोगों को बताएगी बहुत समय लगेगा, तो मैं ही गांव में जाकर के बता देता हूं सबको। चारों तरफ पंडा घूम गया महाराज, बोले सेठ जी मर गए, दान सिंह मर गए, दान सिंह मर गए। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, अरे भैया गजब हो गया कल तो ठीक था। एक बोला भैया सवेरे बिल्कुल ठीक थे, गंगा नहा के आए थे, मर कैसे गए? अरे बढ़िया हर्षपुष्ट थे, क्या हो गया? अब सेठ जी तो महाराज श्वास रोक के पड़े हैं। काठी तैयार करिए महाराज, राम नाम सत्य राम नाम सत्य राम नाम सत्य है। शमशान घाट में पहुंच गए। भगवान सोच रहे महाराज हमने भक्त बहुत देखे जिन्हों संकल्प करके हमें बार बार नचाया, आज ये भक्त ऐसा देखा है जो महाराज एक रुपया एक टका देने को तैयार नहीं है, मरने को तैयार है। और भगवान ने
देखा कि कहीं ऐसा ना हो या एक टका के चक्कर में कहीं शमशान या अग्नि में जल ही ना जाए। तो तुरंत भगवान ने कहा गांव वालों से, भैया कुछ कान में कहना चाहूं, बोल सकूं? बोल बोलो। तो कान में जाकर के भगवान ने कहा, भाई सेठ जी आया हूं बैकुंठ से, हैं? आया हूं बैकुंठ से, नाम है त्रिलोकी नाथ, मांगना है सो मांग ले, आयो तेरे द्वार। अब इतनी बात सुनी तो महाराज, उसने सोचा तू भगवान बोल, हाँ। तो बुद्धि ऐसी होती लोगों की, तुरंत सेठ जी ने कहा, बोले ऐसा है, आयो हो बैकुंठ से, तुम है त्रिलोकी नाथ, एक टका को छोड़ दो, जाओ अपने यहां से पास। इस तरह से एवलाना सुनाया और भगवान प्रकट हो गए। बोले वाह सेठ जी, कोई भजन ध्यान पूजा पाठ करके हमें रजा देता है, तूने तो संकल्प ही ऐसा किया, देना ही नहीं है कुछ, मांग ले क्या चाहिए। पर याद रखना, भगवान की भक्ति में मांगना है तो मांगो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना मांग रहे हो उतना भजन पूजा पाठ सेवा तो करो। हम करते कहां है, कुछ नहीं करते। लेकिन हम याद रखें, जीवन में हमारे जीवन का सबसे बड़ा सार यही है, हा? जो तीसरी बात कही थी, भगवान का भजन करने से हमारा मन पवित्र होता है, जिसका तन धन और मन ये पवित्र हो जाए महाराज, तो जीवन की सबसे बड़ी पवित्रता तो यही है, जीवन का कल्याण यही है। कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास में धन बहुत होगा पर मन नहीं होगा, कई लोगों के पास में धन नहीं होता पर मन बहुत होता है। कुछ लोग शरीर से सेवा करके पुण्य कमा लेते हैं, कुछ लोग दान पुण्य करके, धन दान करके और पुण्य कमा लेते हैं, कुछ लोग भगवान का भजन करके पुण्य कमा लेते हैं। तो महाराज हमको तो तन भी मिला है, मन भी मिला है, धन भी मिला है, तीनों चीजें मिली हैं, तो बढ़िया मौका है, भगवान का भजन करना चाहिए। बोलो भागवत भगवान की जय हो। ओ बीती जाय रही उमरिया तेरी हो, श्री राम बो तू वादा न तो, श्री राम बो वादा न तो, ओ श्री राम बो तू वादा न तो, श्री राम बो तो। बीती जाय रही उमरिया तेरी हो, श्री राम बो वादा न तो, श्री राम बो वादा न तो। देखो ध्यान से सुने, वादा निभाना होगा एक दिन सबको, पाई पाई चुकाना होगा आखिर में सबको, वादा निभाना होगा एक दिन सबको, पाई पाई चुकाना होगा आखिर सबको, वादा निभाना होगा एक दिन सबको, पाई पाई चुकाना होगा आखिर में सबको, वादा निभाना होगा एक दिन सबको, पाई पाई चुकाना होगा आखिर सबको। क्योंकि यदि तुमने भजन नहीं किया तो क्या होगा, ओ भैया खुल जाएगी तेरी पो, श्री राम बो
साधन तो श्री राम वो वादन तो बीती जाए रही उमरिया तेरी हो श्री राम वो वादन तो श्री राम वो वादन तो अपने मन में बसा ले मानस तन का लावे उठा ले राम रमैया अपने मन में उठा ले मानस तन का लावे उठा ले राम रमैया अपने मन में बसा ले मानस तन का लावे उठा ले राम रमैया अपने मन में रमा ले मानस तन का लावे उठा ले क्योंकि अपनी आँखों को ले तू अब खो श्री राम वो वादा न तो जाए रहे उमरिया तेरी हो श्री राम वो तो वादा तो से राम नाम नहीं बोले अपनी अपनी करी तो बोले से राम नाम नहीं बोले अपनी अपनी कर तो डोले मुख से राम नाम नहीं बोले करी तो डोले गोपाल मुख से राम नाम नहीं बोले क्योंकि तू तो करता है सबसे बड़ा जो हम कैसे पता है सबसे बड़ा झोल करते हैं झोल का मतलब इधर तड़का लगा दिया इधर तड़का लगा दिया काउ प्रेमी अड़ोस पड़ोस में थोड़ा सा प्रेम बढ़ जाए हमको अच्छा नहीं लगता है दो चार बातें उधर सुनाई दो चार बातें उधर सुनाई बाहर तीसरे दिन लड़ाई चालू हाँ अरे तू करता है सबसे बड़ा झो तू बादा न तो बीती
वादा न तो मीरा में वो भगवान की। इसलिए तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करदान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। ये तीन बातें जीवन में रखो, कल्याण हो जाएगा। और अगला प्रश्न, शास्त्रों का सार, भागवत ही शास्त्रों का सार है। इसमें महाराज 18 पुराण, 6 शास्त्र, उपनिषद, वेद आदि विराजमान है। और भगवान अवतार क्यों लेते हैं? जब जब हो धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ सोरे अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, श्री राम जय राम धैन्य सुर संत तैलीन मनुज अवतार। जब धर्म बढ़ता है अधर्म बढ़ता है, धर्म का नाश होता है, तब भगवान आते हैं और महाराज धर्म अवतार लेकर के अधर्मी विधर्मियों का नाश करते हैं, धर्म को बढ़ाते हैं। और विप्र धैनु सुर और संत के हाथ हेतु भगवान को आना ही पड़ता है। 24 अवतार श्रीमद् भागवत में बतलाए हैं। ये हो गए 4 प्रश्न। 5वां प्रश्न, जीवन का लक्ष्य क्या है, तत्व की पहचान। हमारे शरीर में आत्मा